चुन के चाल चलूंगा, अगला किंग तो मैं ही बनूंगा। मालिक गर्मी बहुत है, थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में आराम करते हैं, कोई आइडिया अपने आप आ जाएगा। देखो पेड़ दादा, हम तो सूखी हड्डी हैं, हमें खाने में आपको मजा नहीं आएगा, आप पर हमारे गांव में कोई है जिन्हें खा के आपको मजा आ जाएगा। ऐसा क्या? अब वो देखिए पेड़ दादा, आपके शिकार। वाह वाह वाह, इन्हें खाने में तो सच में मजा आएगा। वीरू, ये पेड़ पहले तो यहाँ नहीं था। पेड़ तो असली है, लेकिन इसमें एक भी पत्ता नहीं है, बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग है। कौन सा पेड़ है ये जय? मोदी! मैं इंसानों और जानवरों को खाने वाला पेड़ हूँ। अरे वाह मालिक, आपकी ये पेड़ वाली चाल तो आज काम कर ही जाएगी। चुन चुन के चाल चलूंगा, अगला किंग तो मैं ही बनूंगा। वीरू, ये तो बहुत खतरनाक पेड़ है, हमें मोती को इसके चंगुल से बचाना होगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पेड़ तो इंसानों को जीवन देते हैं और तुम काटते हो? क्योंकि मुझे खाने में इंसान पसंद है। मेरी टहनियों को तोड़ोगे तो मुझे और गुस्सा आएगा। तुम्हारा हमें खाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम्हें खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। पानी को छूते ही उसकी टहनियाँ हरी हो गई, उसमें पत्तियाँ आ रही है। वीरू, मुझे लगता है इस पेड़ को पानी की जरूरत है, अगर हम इसे दें और इसमें पत्तियाँ आ जाए तो इसका मन बदल सकता है। ठीक है, मैं इसे यहीं रोकता हूँ, तुम यहाँ तक पाइप लेकर आओ। लगता है बहुत सालों से प्यासे हो, इसीलिए इतने गुस्से में हो। सालों से पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी, शायद इसीलिए मैं और खूंखार बन गया था। मेरी पत्तियां सूख गई थी और दिमाग भी उल्टा काम कर रहा था, लेकिन आज पानी पी के मैं पहले की तरह महसूस कर रहा हूँ। लेकिन पेड़ बाबा, आप इंसानों के दुश्मन क्यों बन गए? क्योंकि जिस जंगल में मैं बड़ा हुआ उसे इंसानों ने ही काट कर तबाह कर दिया, इसीलिए मैं अब इंसानों को खा के उनसे बदला लेता था। अब तो आपको इंसानों की भूख नहीं लग रही ना?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पानी पीने के बाद ऐसा लग रहा है मानो दुनिया में सब कुछ मिल गया हो। अब तो बस पानी पीऊंगा और धूप खाऊंगा। हाँ। जाएगा दिमाग, वीरू का हाथ मिल जाएगा धूप बन जाएगा। अरे मालिक, हम यहाँ आए क्यों हैं? एक शाही खजाना ढूंढने। अच्छा, चुन चुन के चाल चलूंगा, अगला किंग तो मैं ही बनूंगा। ये मालिक, इसे मैं जगह पर रख देता हूँ। भूत नहीं, मैं हुआ ममन। बर्बादी करके मिलता है मुझे चैन। 400 साल बाद आज मुझे किसी ने जोड़ा है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। अरे मालिक, इसकी अजीब बर्बादी वाली खुशी है। आओ चुप कर गंगू। आज सुनो आर्वर मैन, तुम बहुत खुश हो गया है? इतना खुश कि तुम लोग जो बोलोगे मैं वो बर्बाद कर दूंगा। चुन चुन के चाल चलूंगा, अगला किंग तो मैं ही बनूंगा। तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा काम करना है। इस महल के प्रिंस को मेरे रास्ते से हटाना है ताकि अगला किंग मैं ही बनूं। समझो काम हो गया, ये आर्मर मैन का वादा है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? मैं हूँ आम मैन, बर्बादी करके मिलता है मुझे चैन। आर्मर मैन, सुन लो आर्मर मैन, हमें बर्बादी का कोई शौक नहीं है। लेकिन तुम हमारे घर को बर्बाद करोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मैं हूँ आम अमन, बर्बादी करके मिलता है मुझे चैन, और मुझे बर्बाद करना नहीं है आसान। ये ले। मौसी, आप पीछे हटिए। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं सोच सकता हूँ मैं बर्बादी करता रहूंगा, तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा। जब तक मैं सोच सकता हूँ।
वीरू, हमें आमर मैन का सिर अलग करना होगा, तभी ये रुकेगा। ये लो मालिक, आपकी एक और चाल पे बधाई हो। तुम मेरे भांजे हो या दुश्मन, हर बार मनुष्यत भरी बातें करते हो। इसका सिर जब तक इसकी बॉडी से अलग रहेगा, इसमें जान नहीं आएगी। इसका सिर और शरीर अलग अलग जगह दफनाने होंगे। मान गए तुम्हारा दिमाग जय, इसे शांत करने का तोड़ आखिर तुमने ढूंढ ही लिया। जय का दिमाग, वीरू का हाथ, मिल जाए साथ तो बन जाए बात। ये Subscribe to Sony A for more such fun videos.